नमस्कार मित्रों, आवा तो अपना डोगरा ब्लॉगर डोगरी बोल था। आज एक बारी परती है आऊं मंडी बाजार में घूमते घूमते एक ऐसे शोरूम तुसें ले जाए करना है जिसी मैं पिछले दिन च मिस करी उड़िया। सो आई विल स्विच टू हिंदी सो दैट अदर पीपल्स फ्रॉम दिस एरिया कैन अंडरस्टैंड। तो मंडी बाजार में घूमते घूमते मैं एक ऐसे एरिया को मिस कर रहा था जो मेरे ख्याल से एक ब्रांडेड शोरूम है। तो मैं आज आपको वहीं पर लेके जाऊंगा। ये शोरूम कहाँ पर है? वेल, इंदिरा मार्केट के पास ही है, लेकिन फिर भी इस शोरूम में क्या है, क्या यहाँ पर आपको ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी, इसका हम पता करेंगे। तो मित्रों, मैं आपको ले चलता हूँ उस शोरूम में। तो मित्रों, मेरे सामने ये जो आप एक शोरूम देख रहे हो, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मंडी के लोगों की सुविधा के लिए या जो भी लोग कभी यहाँ पर आए उनकी सुविधा के लिए दिया गया है। तो ऐसा भी करते हैं, यहाँ पे हमें रोजगार करना पड़ेगा। हे वी गो। तो मित्रों, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मित्रों, अंदर चलें। हेलो जी, कैसे हैं सर? मैं आपका ये देख सकता हूँ? थैंक यू। तो मित्रों, जैसे अक्सर हमेशा अपने ब्लॉग में करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये सारा शॉप में जो डिस्प्ले में लगा हुआ है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या स्पेशल और क्या ट्रेजर है इनके पास। हेलो सर, नमस्कार, कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ, हाउ इज यू? आई एम फाइन। ग्रेट। मंडी के लोगों के लिए इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है, या उसके अलावा जो और भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो चलो हम किसी से बात करते हैं। तो हमारे सर यहाँ पर हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? सर यादविंदर सिंह। तो सर, अगर ये म्यूज़िक थोड़ा अगर आप इसको थोड़ा स्लो डाउन करेंगे तो आपकी हम आवाज़ बिल्कुल ध्यान से सुन पाएंगे। सर फिर से अपना शुभ नाम बताएं। यादविंदर सिंह सर। सिंह साहब, ये बताइए सबसे पहले कि पहले आपके बारे में जान सकता हूँ? अच्छा, मेरे बारे में। मेरा नाम विजय है, मैं जम्मू से हूँ। अच्छा। और मैं इस समय मंडी शहर में हूँ। और मंडी शहर में क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छे शोरूम्स हैं, ब्रांडेड हैं, जो चीज़ें हैं उनका मैं एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ कि मंडी में क्या है। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। ओके सर, तो सर आप जानना चाहेंगे आपके शोरूम के बारे में? सर जैसे बेसिकली हांगकॉन्ग बेस्ड ब्रांड है, टेक्निकली साउंड ब्रांड है, इसके अपने रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट है। okay. तो लाइक अपने प्रोडक्ट से खुद मैन्युफैक्चर करता है। ओके। और इनकी क्वालिटी देखोगे आप, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। बाकी हम तीन चीज़ों में डील करते हैं, एक अपना फुटवेयर हो गया, अपैरल हो गया, और असेसरीज होगी। ओके। असेसरीज में हमारे पास सॉक्सीज हैं, बाकी बैकपैक्स वगैरह एंड ऑल कैप वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। ओके। और ये आप फुटवेयर देख सकते हो इस साइड, ये सारी फुटवेयर सेक्शन है अपनी। जैसे अपना ब्रांड बेसिकली स्पोर्ट्स फैशन है, तो हम फैशन को भी कैटर कर रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ। ओके। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहनना चाहते हैं, पर स्पोर्ट्स शूज़ की जो लुक होती है वो उनको इतनी वो नहीं लगती। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स की लुक देखोगे शूज़ की, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, और जो लेवल ऑफ कम्फर्ट इनमें बहुत बढ़िया। टेक्निकल ये हर एक चीज़, जैसे ये वाला शूज़ है, इसमें रिएक्टिव कॉल टेक्नोलॉजी है। लाइक ये जो आपको इन्फिनिटी दिख रही है, ये आपको शॉकर की तरह काम करती है। लाइक जैसे चलेंगे हम धब्बे की, तो प्रेस होगी और आपको हल्का सा रिबाउंड देगी चलते टाइम, जिससे आपकी एनर्जी सेव होगी, और आप जहाँ मतलब 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वहाँ पे 7-8 किलोमीटर भाग जाओगे आप सेम टाइम में सेम एनर्जी के साथ। तो ये है जैसे मेन पर्पज़ तो हमारा वैसे है कि रनिंग के लिए हमारे, जैसे ये वाले शूज़ हो गए, गोल्फी क्यूब्स लगे हैं आउटर सोल में, इसका काम भी वही है, जैसे बॉडी वेट हील पे नहीं आने देगा, कम्फर्ट देगा आपको अच्छा। बाकी अपैरल की क्वालिटी देख सकते हो, फैब्रिक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, स्किन फ्रेंडली है, स्वेटिंग वगैरह की कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। स्वेट भी होता है तो साथ साथ में उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और ये जो आउटर सरफेस है इस पर ट्रांसफर कर देता है, और साथ साथ में वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप स्वेट फ्री रहोगे, आपको कूल कम्फर्ट फील होगा, वो चीज़ है।
बाकी जैकेट्स हो गए, स्वेट शर्ट होगी, हुडीज हैं, तो काफ़ी वैरायटीज है, मतलब लाइक स्पोर्ट्स है सारी, पर स्पोर्ट्स फैशन है. ओके. जैसे हमारी अलग आती है, जैसे रनिंग की कैटेगरी अलग है, ये सारी रनिंग की आ गई, ये वाली ट्रेनिंग आ गई जिमिंग के लिए. uh-huh. आगे लाइफस्टाइल में आपके अर्बन आ गए, स्ट्रीट आ गए. कैन वी सी दैट? यस सर, व्हाई नॉट. ये अपनी अर्बन कलेक्शन है. ओके. सेम वैसे ही वुमेन्स में भी वही है. ओके. पहले रनिंग ट्रेनिंग फिर आगे अर्बन स्ट्रीट. तो आपके पास यूनिसेक्स क्लॉथ्स? हां जी, हां जी सर. तो सर जैसे बैगिंग भी आपके पास है? बैगिंग भी है, कैप्स हो गई. तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा प्राइस रेंज जो है. प्राइस रेंज सर, लाइक जिस ब्रांड का मोटिव मेन है कि वैल्यू फॉर मनी. बिल्कुल. आपको दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में आपको हल्का सा माइनर प्राइस कम दिखेंगे यहाँ पे. ओके. क्यों? रीजन ये है कि इस ब्रांड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, रिसर्च डेवलपमेंट हर डिपार्टमेंट अपने, इसकी वजह से ये कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहे हैं दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में. और क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, ड्यूरेबल रहेगी हर एक चीज, लाइफ अच्छी है प्रोडक्ट की हमारी. जैसे मान लो कि अगर हम अपना शूज की बात करें. हाँ जी. तो ये कितनी रेंज, जो शुरुआत कितनी है सर? वैसे बेसिकली जैसे स्केट बोर्ड के शूज हमारे 2400 से स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग रेंज. और जो रनिंग के हैं वो 4000 से स्टार्ट हो जाएंगे. और रनिंग के जो बेसिक मॉडल होगा उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज मिलेंगी. जैसे दूसरे ब्रांड में सेम टेक्नोलॉजी आपको लाइक जो हमारे 4000 में, दूसरे ब्रांड में आपको 6000 6500, तो लाइक 1000 to 2000 का डिफरेंस है. ओके. तो अगर हम जैसे स्वेट शर्ट की अब जो आप बात कर रहे थे, स्वेट शर्ट में सर आपको काफ़ी अच्छी, जैसे विंटर में आप इसको वियर कर सकते हो, इनसाइड इसमें फ्लीस लगी है, पॉलीफिल है, काफ़ी मटेरियल है जो वार्म रहता है. और क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबल है. इसका जो ये वाली चीज़ होती है ना सर, जैसे लाइक ये वाले टी शर्ट होगी, जैसे ये वाली चीज़ की दिक्कत रहती है कि कुछ टाइम के बाद निकल जाता है, जैसे इसका डी शेप हो जाती है चीज, पर इसमें ये कोई चीज़ नहीं है. अच्छा. और इसका जो आप प्रिंटिंग देख रहे हो ये भी सर टेक्निकल है. ओके, ओके. जब ये स्वेट के कॉन्टैक्ट में आती है ना तो ये बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक हल्का सा कूल कर देती है. ओके. क्योंकि इसमें कई टेक्निकली चीज़ें इन्वॉल्वड है. ठीक ठीक ठीक. हाँ जी. कई केमिकली चीज़ है जो फैब्रिक में. तो जैकेट्स की रेंज कहाँ से शुरू होती है? जैकेट सर अपनी रेंज स्टार्ट है 6000 से. 6000 से. हाँ जी. तो इसके अलावा यानी कि ये तो मंडी में आपका शोरूम है, सबसे पहले मुझे नाम बताएं, इसका नाम क्या है? X step. Extraordinary feeling while you move forward. Okay, okay. Next step. ये है. X step. Okay. X step. Okay. Extraordinary feeling. Okay. तो इस मंडी के अलावा कहीं और भी आपके शोरूम है? यस सर, अभी ये शोरूम अपना 27th या 8th शोरूम है. अच्छा. इसके बाद नेक्स्ट शोरूम अपना जम्मू में खुल रहा है. अच्छा. जम्मू में कहाँ? जम्मू में इतना आगे तो मेरे हेड में खुल रहा है. जम्मू में खुल रहा है. ओके ओके. यानी कि जम्मू में अभी तक नहीं खुल रहा है. ज़रा आप बता दें कि मंडी में, वैसे मंडी वाले तो लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा लोकेशन बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा. नियर इंदिरा मार्केट है, जो अपना होटल इवनिंग प्लाजा है उसका ग्राउंड फ्लोर है, रोटरी चौक है सामने. तो यहीं पे है अपोजिट इंदिरा मार्केट, रोटरी चौक और ग्राउंड फ्लोर होटल इवनिंग प्लाजा. आप जरूर यहाँ पर आए. तो तब तक अपने डोगरा ब्लॉगर को दो इजाज़त. सो नमस्कार. जय हिंद, जय डोगरा, जय भारत और जय हिमाचल.